गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्री बीएसटीसी, प्री बीएड या पीटीईटी और सीयूईटी जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट्स। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको तैयारी क्वेश्चंस के माध्यम से कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी है उसको गति मिल सके। तो ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी, चाहे प्री बीएसटीसी हो, प्री बीएड हो, एक्सेट्रा। तो आज हमारी फर्स्ट वर्कशीट होगी, आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। यानी प्रत्येक प्रश्न के बाद दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज विच हैव शार्प एजेस। यानी चिल्ड्रन यानी बच्चे प्ले खेलते हैं विद टॉयज, खिलौनों से, विच हैव शार्प एजेस। शार्प एजेस का मतलब है यहाँ पे नुकीले किनारे, यानी जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, तो उनसे बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, उनसे बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा शुड नॉट प्ले। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, ही वॉज ग्रीटेड एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स। यानी ही वॉज ग्रीटेड, उसका अभिनंदन किया गया, उसका स्वागत किया गया था एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स। स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए, यानी चिल्लाते हुए किशोरों द्वारा, किशोरों की एक आर्मी द्वारा उसका स्वागत अभिनंदन किया गया था। तो इसमें आंसर आ जाएगा बाय बाय एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स। थर्ड क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, सेकंड भी प्रीपोजिशन का ही था। आई बॉट दिस वॉच 200 रुपीज। मैंने यह घड़ी 2,000 रुपये में खरीदी है। तो इसमें आ जाएगा फॉर, ठीक है, आई बॉट दिस वॉच फॉर 2,000 रुपीज। ये प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिग्निफिकेंट का हमें सिनोनिम पर्यायवाची बताना है। तो देखो, एफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख, चीफ, मुख्य, मैग्निफिशेंट मीन्स होता है शानदार, और इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। तो सिग्निफिकेंट का भी क्या अर्थ होता है? महत्वपूर्ण ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। यानी इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम, निर्दोष। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, यानी पर्यायवाची। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गिल्टी। गिल्टी यानी दोषी। दोस्तों, हम रोजाना या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन जो है क्लास लेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें रोजाना हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बनाए हुए नहीं होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए थे 2020 में शायद, क्योंकि ये जो होते हैं स्मृति आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो तो बच्चों को दिया नहीं जाता है, ना तो प्री बीएड का देते हैं ना ही प्री बीएसटीसी का देते हैं, इसलिए ये स्मृति पर आधारित प्रश्न
होते हैं। तो अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड, यानी एक शब्द चुनिए। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, यानी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाना, चुना जाना दो पार्टीज के द्वारा। टू सेटल अ डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट यानी झगड़े को सेटल, सुलझाने के लिए, एक झगड़े को सुलझाने के लिए दो दलों द्वारा किसी को चुना जाना, तो वो होता है आर्बिट्रेटर। कौन होता है दोस्तों आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर का हिंदी अर्थ होता है पंच या मध्यस्थ, जो मध्यस्थता कराता है दो दलों के बीच, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट दिया हुआ है। सी सेड, उसने कहा, माय फादर विल हेल्प मी, मेरे पिता मेरी सहायता करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कनेक्टिव डेट लगता है, कनेक्टिव डेट लगता है, ठीक है। और इसका जो आप टेंस देखेंगे वो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। तो इसमें विल का हो जाएगा वुड, विल का हो जाएगा वुड, तो ये विल वाला कट जाएगा, ये भी थर्ड वाला भी कट जाएगा, विल वाला। हमारे पास ऑप्शंस रह गए दो, दूसरा और चौथा। देखिए अब ये जो माय फादर है, ठीक है, इसमें हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है, जैसे माय फादर है, तो जैसा कि आप जानते हैं आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी इट नेम थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये है माई, माई यानी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हो तो कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कर्ता कौन है यहाँ पे, शी, ठीक है। तो शी का माई के अनुसार प्रोनाउन चेंज कर देंगे, शी हर माई, शी हर हर, और आई मी माई, तो इसमें आ जाएगा माई की जगह हर। क्या आ जाएगा दोस्तों, हर, और इसमें माई है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सी सेड डैट हर फादर वुड हेल्प हर। इस प्रकार से इनको हम हल करते हैं। सबसे पहले आप टेंस पकड़िए, टेंस के बाद प्रोनाउन पकड़िए, आपका आंसर आपके सामने होगा। सेम एट्थ क्वेश्चन है, देखिए क्या स्टेटमेंट है, द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो कनेक्टिव लगता है वो इफ लगता है, देखो चारों में इफ दिया हुआ है। जो सैड टू है, सैड टू है, उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो टोल्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, तो ये टोल्ड वाला गलत हो गया। नेक्स्ट इसमें टेंस देखो, हैव डन, हैव डन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हैड डन, हैड डन, हैड डन, हैव डन, ये गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, हमारे पास बचे पहला और तीसरा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इंक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको नरेशन आते होंगे तो आपको मेरी बात जरूर समझ में आ गई होगी। नाइन्थ क्वेश्चन है, आर्टिकल बनने हैं, ही गेव मी अ यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे दी एक अद्भुत घड़ी मेरे जन्मदिन पर। तो देखो यूनिक आ रहा है, यूनिक, यू में यू पकड़ो आप, तो ए ई आई ओ यू के हिसाब से लगाएं तो आएगा एन, लेकिन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर है, वोवेल लेटर है, तो लेटर तो है वोवेल यू, लेकिन साउंड देखो आप,
साउंड यू, यूनिक, यू है ना, तो यू यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमेशा साउंड के आधार पे हम लगाते हैं, तो साउंड के आधार पे लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड पे ए लगाते हैं और वोवेल साउंड पे एन लगाते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मैन फियर डेथ। देखो मैन फियर डेथ ये एक कथन है, स्टेटमेंट है, इसमें नो आर्टिकल आएगा क्योंकि जो डेथ है वो एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए नो आर्टिकल इसमें आएगा। दोस्तों देखिए 11th क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ट इनकरेक्टली। उस शब्द को चुनिए जो गलत तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला शब्द है प्रोनाउंसिएशन, हम इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन ये होता है प्रनंसिएशन। क्या होता है? प्रनंसिएशन। तो फर्स्ट जो शब्द है वो ही गलत है, वो ही बोला गलत जाता है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। बाकी तो ये है वॉरेंट, डिसेंट और रेलेंटलेस, ठीक है। 12th क्वेश्चन है चूज द वर्ड डेट इज स्पेल्ट करेक्टली, ठीक है। देखो कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग इसमें गलत है, कमेटी की स्पेलिंग होगी COMMITTEE, ठीक है, MMTTEE। तो ये केवल एक ही एम है यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगी। फुल फिल में डबल एल है इसलिए गलत है, एक एल आता है, और सक्सेसिव में यहाँ पे डबल एस आएगा। सक्सेसिव की स्पेलिंग क्या होती है? SUCCEESSIVE, ठीक है। तो इसमें जो हमारी राइट मीनिंग है वो है बैलून की, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनिए। देखो ये हमें दिख रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सब में पहले हाउ है, फिर वंडरफुल है, फिर आगे चेंज है। देखो इसमें पहले आया द सीन, फिर इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट जो भी है ऑब्जेक्ट, फिर वो आ गया वर्ब। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो ये हमारा राइट आंसर है। देखो इसमें इज नहीं है, ठीक है, इसमें उल्टा सीधा कर दिया है, और इसमें दा सीन को पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन गलत होते हैं, ये 13 का फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है काइंड बताना है। देखो काइंड कितने होते हैं सेंटेंसेस के? पांच होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे चार दिए हैं, तो देखो हमने एक्सक्लेमेटरी साइन से पहचान लिया कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर। 15th क्वेश्चन है एन एवरेज काओ 1400 पाउंड्स, ठीक है। पाउंड्स जो है एक करेंसी है, और यानी एक औसत काओ कितना वजन होता है? 1400 पाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वेक्स, वेट्स, ठीक है ना। तो एन एवरेज काओ वेट्स 1400 पाउंड्स। नेक्स्ट अपना 16th क्वेश्चन है, देखो ये एक अनसीन पैसेज है जिसमें भी पांच क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके आंसर्स देखने हैं। केवल ऊपर ऊपर से रीडिंग करनी है, हल्का हल्का अर्थ करना है, जैसे आप एग्जाम में करते हो सेम उसी तरह से मैं करवाऊंगा। देखो इसको समझने से पहले एक बार समझ लो कि आप मान लो कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हो और आप ही इस चीज को बोल रहे हो, कैसे? अ लिटिल मैन बिसाइड मी
वॉज टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ अ मैगजीन क्विकली एंड नर्वसली। एक छोटा सा आदमी मेरे पीछे, ठीक है, वॉज टर्निंग ओवर, पलट रहा था पेजों को एक मैगजीन की बहुत जल्दी से और नर्वस में, ठीक है ना। यानी एक छोटा सा आदमी मेरे पीछे खड़ा हुआ था और वो एक मैगजीन के पेजों को बार बार तेजी से और नर्वसली पलट रहा था। अपोजिट मी, जबकि मेरे सामने देयर वॉज अ यंग मदर, एक माँ थी, ठीक है, हु वॉज ट्राइंग टू रिस्ट्रेन हर सन। रिस्ट्रेन का अर्थ होता है कंट्रोल, यानी शांत कराना, रोकना, रोकना, लगाम लगाना, नियंत्रित करना, ठीक है, रिस्ट्रेन का अर्थ होता है। तो या अपोजिट मी, मेरे सामने एक माँ थी जो कि अपने बच्चे को शांत कर रही थी फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, शोर ना करने के लिए या शोर मचाने से रोक रही थी उसको। द बॉय हैड ऑब्वियसली ग्रोन वियरी ऑफ वेटिंग, यानी जो बॉय था, यंग मदर का बॉय, हैड ऑब्वियसली ग्रोन, ऑब्वियसली यानी आमतौर पर या जाहिर तौर से, ग्रोन वियरी, वियरी मीन्स टायर्ड, यानी थका हुआ था, ऑफ वेटिंग। और एक बच्चा था जो कि जाहिर तौर से किसी का इंतजार करते हुए थक गया था। ही हैड प्लेस्ड एंड एस्ट्रे ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पर एस्ट्रे रखा, एस्ट्रे यानी राखदानी, ठीक है, एंड वॉज मेकिंग एरोप्लेन, और एरोप्लेन बना रहा था नॉइजेज एज ही वेव्ड अ पेंसिल इन हिज हैंड्स, जैसे कि मानो उसने अपने हाथों में एक पेंसिल हिला रहा था, एरोप्लेन बना रहा था, ठीक है। नियर हिम, उसके पास, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वॉज फास्ट एस्लीप, खर्राटे मतलब जोर शोरों से सोया हुआ था, स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी होता है खर्राटे लेना, तो वो खर्राटे ले रहा था जोर जोर से। एंड द बॉयज मदर वॉज अफ्रेड, और जो बॉयज की माँ थी वो इस बात से क्या थी, भयभीत थी कि द सूनर और लेटर, अभी या बाद में, हर सन वुड वेक द जेंटलमैन अप, उसका बेटा उस सज्जन आदमी को जो सोया हुआ था उसको जगा देगी। तो आप मान लीजिए ये एक ऐसा सीन है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, ओल्ड मैन क्या कर रहा था। तो देखिए, एन ओल्ड मैन वाज फास्ट एस्लीप, यानी सोया हुआ था, तो आंसर आ जाएगा ए, एस्लीपिंग। फिर 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय रिस्ट्रेन इन द पैसेज। रिस्ट्रेन ये शब्द आया है ना, तो रिस्ट्रेन का यहाँ पर अर्थ है कंट्रोल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, विजिटेड आ गया, व्हेन आई विजिटेड हिम इन मुंबई, जब मैंने उसे मुंबई में देखा, ठीक है। ही देयर फॉर 5 years। अब देखो, जो सिंस फॉर किस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही तो आते हैं, ठीक है, और पास्ट का संकेत यहाँ पे दिया है विजिटेड के साथ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो आंसर हो जाएगा हैड बीन टीचिंग, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस की आप वो तो जानते ही होंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। 19th क्वेश्चन देखिए, द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपल वॉज डेट दे वर ऑल। एक कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है, एक कॉमन चीज देखनी है टू ऑल द पीपल, सभी लोगों के प्रति, वॉज थी, डेट की, दे वर ऑल, वे सभी क्या कर रहे थे, लुकिंग एट द लिटिल बॉयज प्लेफुलनेस, कि वो छोटे से बच्चे की प्लेफुलनेस यानी नादानी, जो वो खेल रहा था, उसको देख रहे थे, है ना। कैसे, देखो यहाँ से, ही हैड प्लेस्ड एन एस्ट्रे ऑन द फ्लोर एंड वॉज मेकिंग एरोप्लेन, ऐसे यहाँ से, ठीक है।
और 20 क्वेश्चन है, सैम इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल हमें लगाना है। तो जो ये मोस्ट है, मोस्ट से पहले द आता है, क्योंकि मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री में आता है। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें ये आ जाएगा द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो क्लास में 20 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के और यूजेस के देखे। तो जैसा मैंने आपको इसमें आर्टिकल, सिनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड वोकेबलरी, ठीक है, सब कुछ बताया। तो ये प्रॉपर एक वर्कशीट है जिसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यदि आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसी मैं कम से कम 10 वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश ग्रामर के, जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो गलत ना हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जो पीटीटी की या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।